हेलो दोस्तों, मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। दोस्तों चलते हैं प्रश्न तरफ, लेकिन प्रश्न बताने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो का स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें, क्योंकि जितने प्रश्न सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो का स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, पहला प्रश्न है हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया है। तो किस देश में खोजा गया दोस्तों, तो वह है तुर्की। तुर्की देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर को खोजा गया है। तो यह जो पुराना कैलेंडर है कितने साल पुराना है, तो यह पुराना है 13,000 साल पुराना है। ठीक है दोस्तों, तुर्की देश की राजधानी कहाँ है, तो तुर्की देश की राजधानी अंकारा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए पैसे देने वाला देश का पहला राज्य बन गया। दोस्तों जहाँ पहला लिख दिया वो समझिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला राज्य कौन है दोस्तों, तो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है राज्य जो है मध्य प्रदेश राज्य जो है छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए पैसे देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो भोपाल इसकी राजधानी है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में विश्व अंगदान दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो किस दिन मनाया जाता है, तो है 13 अगस्त को मनाया जाता है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। इसका थीम क्या था दोस्तों, विश्व 2024 में इसका थीम क्या रखा गया है, इसका थीम रखा गया है आज किसी की मुस्कान का कारण बने। आज किसी की मुस्कान का कारण बने इसका थीम रखा गया था विश्व अंगदान दिवस का। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में कौन सी संस्था शीर्ष स्थान पर बनी रही, तो कौन सी संस्था है दोस्तों, तो वह है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास जो है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में भी जो है ये अपना स्थान पहला रखा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया तुंगभद्रा बांध किस राज्य में स्थित है, तुंगभद्रा बांध जो है वह जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तुंगभद्रा जो बांध है यह तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। ठीक है, यह जो है क्यों समाचारों में देखा गया दोस्तों इस बांध के बारे में, क्योंकि यह जो बांध है 71 साल पुराना बांध है। कितने साल पुराना बांध है, 71 साल पुराना बांध है दोस्तों। इसमें क्या हुआ कि इस बांध में 19वां जो गेट होता है, पानी जो निकालने का 19वां गेट होता है, वह गेट जो था ढह गया, जिसके कारण क्या हुआ आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बाढ़ आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, यह तुंगभद्रा जो है यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसका है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस संस्था ने हाल ही में सुपारी अरेका नट के बगानों में फल सड़न रोग कोले रोग जिसको बोलते हैं को नियंत्रित करने के लिए किसानों को एक सलाह जारी की है, तो कौन सा जो संस्था है, उस संस्था का नाम है केंद्रीय बगानी फसल अनुसंधान संस्थान है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पे है, कासरगोड में है। कासरगोड में यह जो है संस्थान है। ठीक है दोस्तों, यह जो रोग हुआ है किसके कारण होता है, सड़न रोग जो होता है, सड़न फसल में जो सड़न रोग जो हुआ है वो किसके कारण हुआ है दोस्तों, तो ये हुआ है कवक बैक्टीरिया या वायरस के कारण यह रोग हुआ। इस रोग का नाम क्या है, इस रोग का नाम है कोले रोगों के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। माउंट कली मंजारो जो हाल ही में खबरों में था किस देश में स्थित है दोस्तों, तो किस देश में स्थित है, तो यह है तंजानिया में स्थित है। कहाँ, तंजानिया देश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि नॉन काई ट्रफ जो हाल ही में खबरों में था क्या है, तो क्या है दोस्तों, ये तो ये जो है प्रशांत महासागर में दो टेक्टोनिक प्लेटों के बीच एक
सबडक्शन क्षेत्र है। क्या है? सबडक्शन क्षेत्र है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 का थीम क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 की थीम क्या रखा गया है, वह जो थीम का नाम है क्लिक से प्रगति तक सतत विकास के लिए युवा डिजिटल मार्ग। क्या है? क्लिक से प्रगति तक सतत विकास के लिए युवा डिजिटल मार्ग, यह जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम नाम रखा गया है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीलकुरीजी पौधा जो है हाल ही में खबरों में था, भारत किस क्षेत्र में ज़्यादातर पाया जाता है। तो किस क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों, तो यह जो पौधा पाया जाता है वो पश्चिमी घाट में पाया जाता है। कहाँ? पश्चिमी घाट में पाया जाता है। तो नीलकुरीजी पौधा जो है, यह पौधा जो है 12 साल में एक बार इसका फूल आता है, ठीक है दोस्तों। कितने बार साल में? यह 12 साल में जो है एक बार इसमें फूल खिलता है, और यह जो होता है बैंगनी रंग का इसका फूल होता है। किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का इसका फूल होता है नीलकुरीजी पौधा का जो है बैंगनी रंग का फूल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि अमन सहरावत जिन्होंने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता, किस खेल से संबंधित है। तो किस खेल से संबंधित दोस्तों, तो ये हैं कुश्ती से संबंधित है, कुश्ती खेल से खेलते हैं अमन सहरावत, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हाल ही में हिंद महासागर में पानी के नीचे की संरचनाओं को कौन से तीन नाम दिए गए हैं। तो कौन से तीन नाम दिए गए हैं दोस्तों, तो वह नाम है अशोक है, चंद्रगुप्त है और कल्पतरु है। क्या है? कल्पतरु है, ठीक है। अब अशोक का नाम दिया गया कब, तो 2012 में जो है इसका खोज किया गया था, इसका नाम अशोक दिया गया, और इसका जो रेंज है 180 वर्ग किलोमीटर तक यह फैला हुआ है, ठीक है दोस्तों। और चंद्रगुप्त जो है कल्पतरु भी जो है 2012 में खोजा गया था, इसका रेंज जो है 430 वर्ग किलोमीटर तक इसका रेंज कवर करता है, ठीक है दोस्तों। और चंद्रगुप्त जो है ठीक है, इसका खोज जो है 2020 में खोजा गया था, इसको 2020 में चंद्रगुप्त का जो है खोजा गया था, और इसका रेंज जो है 675 वर्ग किलोमीटर तक इसका रेंज है, ठीक है दोस्तों। तो यह जो है तीनों जो है हिंद महासागर में पानी के नीचे की संरचनाओं का तीन नाम रखा गया है, अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन देशों ने द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास उदारा शक्ति 2024 में भाग लिया है। तो कौन सा द्विपक्षीय सेना अभ्यास हुआ है दोस्तों, उदारा हुआ है भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है, भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है, ठीक है। कौन सा अभ्यास हुआ है? उदारा शक्ति, ठीक है, उदारा शक्ति 2024, ठीक है दोस्तों। मलेशिया की राजधानी कहाँ है, तो मलेशिया की जो राजधानी है कुआलालंपुर है, कुआलालंपुर जो है मलेशिया की राजधानी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न तक चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को हाल ही में तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार मिला है। तो किसे दिया गया है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो दिया गया है द्रौपदी मुर्मू को जो है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा? तिमोर लेस्ते। क्या है? तिमोर लेस्ते एक देश है, देश का नाम है तिमोर लेस्ते। इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों, इसकी राजधानी जो है दिल्ली इसकी राजधानी है। यहाँ का राष्ट्रपति जो है, इनके राष्ट्रपति के नाम क्या है, जोसे रामोस होटा जो है यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा मंत्रालय हाल ही में खबरों में रहे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना को लागू करने के लिए नोडल निकाय है। तो क्या नाम है दोस्तों उस मंत्रालय का, तो वह मंत्रालय है आवास और शहरी मामले का मंत्रालय, ठीक है दोस्तों।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार के अवसर देने के लिए लॉजिस्टिक नीति 2024 को लागू मंजूरी दी है? तो कौन सा राज्य दोस्तों? तो वो राज्य सरकार है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है 5 लाख रोजगार देने का अवसर के लिए लॉजिस्टिक नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग 2024 जीती है? तो किस देश ने जीता है दोस्तों? तो जीता गया है भारत ने जीता है, भारत ने जीता है कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग 2024 को। ठीक है दोस्तों, यह कहाँ हुआ था? काठमांडू में इसको खेला गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना ने किस क्षेत्र में रणनीति सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार आयोजित किया है? तो कहाँ पे किया दोस्तों? तो वह है लद्दाख में। लद्दाख में जो है भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार आयोजित किया है, सैन्य अभ्यास है पर्वत प्रहार इसका नाम रखा गया है। तो लद्दाख में आयोजित किया गया है भारतीय सेना ने के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्री बाबा बुद्ध अमरनाथ मंदिर जो हाल ही में खबरों में था जम्मू और कश्मीर की किस घाटी में स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है लोरंग घाटी में, यह स्थित है। ठीक है दोस्तों, कौन सा? श्री बाबा बुद्ध अमरनाथ मंदिर। ठीक है दोस्तों, यह जो जम्मू कश्मीर के जो है लोरंग जो है घाटी में स्थित है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वफ क्या है जो हाल ही में खबरों में था? वफ जो है धार्मिक और परोपकारी उद्देश्यों के लिए भगवान के नाम पर समर्पित संपत्ति है। क्या है यह? जो है धार्मिक और परोपकारी उद्देश्य भगवान के लिए समर्पित क्या है? संपत्ति है। ठीक है दोस्तों, यह वफ, वफ इसका नाम रखा गया है। इसमें क्या होता है कि जैसे मुस्लिम हो गया, मुस्लिम में पुरुष हो गए महिलाएं हो गए, उनके द्वारा जो संपत्ति जो दी जाती है वह जो है ये वफ में जो है उसको जमा कर लिया जाता है। और इसके द्वारा फिर क्या होता है, स्कूल हो गए और जो संस्था होते हैं उसमें उसके द्वारा उस संस्था का निर्माण कराया जाता है और उसको चलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य आपदा जोखिम हस्ताक्षरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य है दोस्तों? तो राज्य का नाम है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा इसकी राजधानी है। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है आपदा जोखिम हस्ताक्षर पैरामेट्रिक बीमा समाधान जो है लागू करने वाला पहला राज्य बना है नागालैंड। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, भीभीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन सा राज्य सरकार ने किया दोस्तों? तो किया है झारखंड राज्य सरकार ने। झारखंड राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए उपस्थिति पोर्टल को लॉन्च किया है। चलते हैं दोस्तों आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आदि चुनन गिरी मोर अभ्यारण जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है कर्नाटक में स्थित है। देखिए दोस्तों, केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के द्वारा आदि चुनन गिरी मोर अभ्यारण है, एक है चुलन नुवर है जो केरल में है, एक तो आपका कर्नाटक में हो गया। आदि चुनन गिरी मोर अभ्यारण कर्नाटक में है और चुलन नुवर जो है वो कहाँ पे है? केरल राज्य में है। ठीक दोस्तों, कहाँ है? केरल राज्य में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो कौन है दोस्तों? तो वह है द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू हैं। इन्हें जो है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से इनको सम्मानित किया गया है। दोस्तों फिजी देश की राजधानी कहाँ है? तो फिजी देश की जो राजधानी है वो सुबा है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ के फिजी देश की प्रधानमंत्री है सितिवनी राबुका है और राष्ट्रपति हैं रातू विलियम
मैव लिली काटो नीवेरे जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने मानव अंगों के निर्बाध परिवहन के लिए अपनी पहली मानक संचालन प्रक्रिया शुरू की है। तो कौन सा दोस्तों है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है मानव अंगों के निर्धार परिवहन के लिए अपनी पहली मानक संचालन प्रक्रिया को जो है शुरू किया गया है। दोस्तों आज का प्रश्न दोस्तों इतना ही था। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें जो मेरे वीडियो जो है आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।